अगली खबर छत्तीसगढ़ से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिन्होंने रायपुर में बेरोजगारी भत्ता योजना की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर किया है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में की गई राशि ट्रांसफर की गई और बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम में प्रदेश भर से युवा जुटे। बेरोजगारी भत्ते के तकरीबन 1,05,395 हितग्राहियों को ऑनलाइन 32,38,00,000 की जो राशि है वो ट्रांसफर की गई है। योजना के बाद 1,701 हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू किया गया। लाभार्थियों को 33 संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आपको बेरोजगारी भत्ते से सहायता मिल रही है, लेकिन मुझे बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। सरकारी नौकरी के लिए हम लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं, साथ ही आपको कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, इससे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि पिछले समय जिस प्रकार से इसी जगह हम लोग बैठे थे और बहुत सारे साथियों ने अपने अनुभव साझा किया था कि ये जो राशि मिली है उसे आगे पढ़ाई की तैयारी में, कुछ हमारे युवा साथी कह रहे थे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी, लेकिन ये भर्तियां निकाल नहीं रहे हैं। और अभी जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि 30 अप्रैल को मैं यही घोषणा किया था कि जिस दिन हमको अनुमति मिलेगी उसी दिन दूसरे दिन सारे अखबारों में मीडिया में वो इश्तेहार भरा पड़ा रहेगा और लगातार सारे विभागों के भर्तियां प्रारंभ हो गई है, विज्ञापन निकल रहे हैं। तो कुछ लोग व्हाट्सएप में कह रहे हैं कि कका अतिक जल्दी जल्दी मत करना, का थोड़े रुक के करना भाई। तो दूसरा उसका साथी कहता है भैया फीस नहीं लगता अभी आपम और पीएससी में, सरकार ने वो भी माफ कर दिया है।